नमस्कार दोस्तों, हम दिवाली के दिन दीपक जलाते हैं, लेकिन दीपक जलाने के बाद उसे किस दिशा में रखना चाहिए ये हमें ज्ञात नहीं होता, जिसकी वजह से हमें परेशानी और संकट का सामना भी करना पड़ता है। हमारी दिशाएं चार होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और चारों दिशाओं का अपना अपना महत्व होता है, क्योंकि जिस तरह से हम दिशाओं के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उसी तरह से हमें प्रॉफिट भी मिलता है और लॉस भी। तो आज जानते हैं कि दिवाली के दिन दियों को किस दिशा में रखें, या फिर दियों की लो किस दिशा में रखें जिससे कि आपको प्रॉफिट हो, और किस दिशा में रखने से आपको हानि हो सकती है, जानिए इस वीडियो के दौरान। यदि हम सबसे पहले जानते हैं पूर्व दिशा के बारे में, यदि हम दीपक जला रहे हैं और दीपक जलाने के बाद उसकी लौ पूर्व दिशा की ओर रखते हैं तो वह हमारी आयु की वृद्धि बढ़ाता है, यानी कि जितनी हमारी उम्र है उससे थोड़ी दोगुनी बढ़ा देता है। इसलिए दीपक की लौ को यदि आप पूर्व दिशा में रखते हैं तो वह आपकी आयु तो बढ़ाता है, और यदि उसके साथ आप मंत्र का भी उच्चारण करते हैं तो वह आपको और भी अचूक फल देता है। तो वह मंत्र है दीपो हरति मे पाप संध्या दीप नमस्तुते। शुभ करोतु कल्याण आरोग्य सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय च दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो यह आपको अचूक फल देता है। जब भी आप शुभ कार्य कर रहे हैं और शुभ कार्य करने के बाद आप दीपक जला रहे हैं, तो उसके लिए आप इस मंत्र का उच्चारण करते जाइए और उस दीपक को जलाते जाइए। ऐसा करने से वह दीपक तो जलेगा और उससे आने वाली खुशियां भी आपको जरूर मिलेंगी। हम सभी जानते हैं कि दीपक की लो को यदि हम पश्चिम दिशा में रखते हैं तो उसके हमारे गलत प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि कहें या फिर कहें कि नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जब भी आप दिए की लो को पश्चिम दिशा में रखते हैं को बढ़ाता है और आपके संकट को दोगुना कर देता है। आप कोशिश करें कि इस दिवाली पर लो को आप पूर्व दिशा में रखें और इससे आपको आपकी आयु में वृद्धि होगी, सुख संपदा होगी, तो वह आपके लिए खास होगा। उत्तर दिशा, यदि आप उत्तर दिशा की तरफ दिए की लो रखते हैं तो वह आपके धन में धान्य बढ़ाता है, या कहीं कुबेर की बरसात होती है। यदि आप चाहते हैं आपके घर में धन की कभी कमी ना हो या फिर धन की कभी वृद्धि होने से ना रुके, तो उसके लिए आप दीपक चलाते समय ये भी खास ध्यान रखें कि दीपक की लो आप उत्तर दिशा में ही रखें, तो वह आपके घर में ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। और आखिरी दिशा, दक्षिण दिशा, यदि आप दीपक जला रहे हैं और दीपक की लो का ध्यान रखें कि आप दक्षिण दिशा में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि यदि आप दक्षिण दिशा में रखते हैं तो वह आपके धन में तो हानि करेगा ही, आपके दुर्लभ को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, या फिर आपके घर में कलेश को बढ़ा देगा, या फिर आपके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहेगी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि ये परेशानी आपके घर में ना आए तो उसके लिए आप दिए की लो को दक्षिण दिशा में बिल्कुल ना रखें और जो मंत्र बताया है उसका उच्चारण करते जाएं। जब भी आप शुभ कार्य कर रहे हैं तो इस मंत्र का उच्चारण आपको बार बार करना है। ऐसा करने से आपके घर में शुभता आती है और आपके घर में जितने भी कार्य होंगे वह शुभ से होंगे। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।